Well, students, a very warm, a very cool and very glorious good morning to all of you. आज का ये वीडियो है जो कहीं ना कहीं ज्ञानवर्धक है, एकेडमिक है, कॉम्पिटिटिव है और आप उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी इंग्लिश के जिज्ञासुओं के लिए है जो कहीं ना कहीं इस बार यानी 2019 की परीक्षा, जिसे हम यूपी टेट के नाम से जानते हैं, उसमें अपियर अगर आप लोग होने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये वीडियो आपके लिए बेहद आवश्यक है, बेहद जरूरी है। आज का ये वीडियो हम आपको समर्पित कर रहे हैं अपने स्वर्गीय माता पिता की असीम आशीर्वाद और कृपा से। तो डेफिनेटली हमें पूरा यकीन है कि ये वीडियो आपको विशेष पसंद आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका जो मकसद है उस मकसद को ये सफल बनाएगा, क्योंकि इसमें हम वो सारी बातें, सारी जानकारी प्रोवाइड करने जा रहे हैं जो एक यूपी टेट के स्टूडेंट्स को शुरुआती दौर में पता लगाना, पता रखना बेहद आवश्यक है। आप सभी को पता है कि शुरुआती दौर में पहला हमारा स्टेप होता है कि हम किसी भी परीक्षा के सिलेबस की जानकारी विधिवत तौर पर ले लें। अगर ये जानकारी हमारे पास सॉलिड है, सीमेंटेड है, तो कहीं ना कहीं हमने समझो अपना कदम उस परीक्षा की सफलता के लिए बढ़ा दिया है। माइलस्टोन की तरह कार्य करता है अगर हमने ये पता कर लिया कि आखिर हमें जाना कहाँ है। जैसे हम कहीं पर भी जाने से पहले एक टिकट परचेस कर लेते हैं कि हमारी मंजिल ये है और हमें यहाँ जाना है। इन द सेम मैनर, सेम वे, आपको जानना बेहद आवश्यक है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका पर्पस क्या है। तो समझो इस बार आपके लिए यूपी टेट की परीक्षा की यह बारी, जो जिसके लिए एचएम रॉय के साथ कर लीजिएगा पूरी तैयारी, क्योंकि जॉब आपको मिलने जा रही है प्यारी। बेहद कठिन परिश्रम, बेहद कठिन राहों से गुजरते हुए आप यहां तक पहुंचेंगे, लेकिन हम अपने सहयोग के माध्यम से, अपने इस अनुभव के माध्यम से उन सारी राहों को आपके लिए आसान करने जा रहे हैं, बेहद इजी करने जा रहे हैं। तो देखते हैं आज के इस वीडियो में हमने लिया हुआ है यूपी टेट के सिलेबस को। ये पूरा सिलेबस है जो कहीं ना कहीं ए से लेकर के जेड तक है और आपको जैसे पता है कि सबसे पहले हम रूबरू होंगे, सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं आज के इस यूपी टेट के सिलेबस से। पहला जोन, पहला क्षेत्र जो हमारा संबंधित होगा वो होगा कहीं ना कहीं वर्ड पावर से, वोकैबुलरी से और ग्लॉसरी से। यानी वर्ड पावर को हम तीन रूपों में जानते हैं, तीन रूपों में इसे समझा जाता है, जिसकी चर्चा हम यहां पर कर रहे हैं, लेकिन इसे आप किसी भी अंदाज में, किसी भी सेंस में समझ सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आप इसमें सफल हों, आप इसमें उत्तीर्ण हों, आपकी असफलता दूर दूर तक आपके साथ ना हो, आपके आसपास ना हो। ये हमारा वादा है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारे उस संघर्ष के माध्यम से निकले हुए अनुभव का वादा है आपके लिए कि अगर आपने इस सिलेबस को अच्छी तरीके से समझा, अगर आपने इसको भलीभांति अपनी ग्रिप में किया, अपनी कमांड में किया, अगर आपने इसको देखा अच्छी तरीके से, तो डेफिनेटली यूपी टेट के सिलेबस पर आपकी मास्टरी होने जा रही है, आपकी कमांड होने जा रही है और ये चीज आपकी सफलता को बहुत ही नजदीक लेकर के आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट लेते हैं। पहला है सिनोनिम्स, यानी इस परीक्षा में वर्ड पावर के तहत आपको गुजरना पड़ेगा सिनोनिम से, जिसे हम पर्यायवाची के नाम से जानते हैं हिंदी में। कमोन, क्या कहा हमने? पर्यायवाची के नाम से जानते हैं, अर्थात इसके समान और भी शब्द होंगे, इसके समान और भी सेंस होंगे जिनकी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। यानी एक वर्ड के लिए कम से कम पांच शब्दों का आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, और अगर पांच से ज्यादा है तो दैट विल बी आइसिंग ऑन द केक, अर्थात सोने पर सुहागा होगा। और आपको चिंता करने की, आपको टेंस होने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके साथ है एच एम रॉय का अनुभव और उनका सहयोग। दूसरा है एंटोनिम्स, जिसे हम विलोम शब्द के नाम से जानते हैं।
कम ऑन, क्या कहा हमने? विलोम शब्द के नाम से जानते हैं, विलोम शब्द से भी आपको इसमें गुजरना होगा, रूबरू होना होगा डेफिनेटली। तो ऐसे विलोम शब्द जिसमें आने की पूरी संभावना होगी, पूरी पॉसिबिलिटीज रहती है, ऐसे सिनोनिम्स और ऐसे एंटोनिम्स की एक बेहतर लिस्ट, एक बहुत ही परिश्रम के द्वारा तैयार की गई लिस्ट आपके लिए हम प्रोवाइड करेंगे अपने वीडियोस में, जिनको बस अनवरत रूप से आप देखते जाइएगा, समझते जाइएगा और समझिएगा, आपका रास्ता आसान हो गया, जॉब आपके लिए आसान होगी वो माध्यम से। अगला है होमोफोन्स, जिनका तात्पर्य हम समझ सकते हैं कि होमो का मीन्स होता है सेम, फोन का मीन्स होता है साउंड यानी कि ध्वनि, यानी कि आम भाषा में हम समझ सकते हैं उच्चारण। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका साउंड यानी उच्चारण एक समान होता है, उनकी स्पेलिंग अलग अलग होती है और उनका अर्थ भी अलग अलग होता है, ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं होमोफोन्स। और एक एग्जांपल के तौर पर हम इसे समझ सकते हैं, जैसे BERTH या BERTH, यानी दो शब्द हमारे पास बर बट उच्चारण एक समान है लेकिन अर्थ कहीं ना कहीं अलग है, ये जन्म से संबंधित है, जन्म, और ये आपका शायका, यानी कभी भी आपने रिजर्वेशन के माध्यम से जब ट्रेन में यात्रा किया होगा तो एक सीट पर आप कंप्लीटली लेटते हैं, सोते हैं, उस सीट को ही हम बोलते हैं शायका, वो आपका बर्थ का सेंस है। तो ऐसे ढेर सारे शब्दों की जोड़ी जो किसी ने नहीं तोड़ी वो आपके पास तक पहुंचेगी आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे द्वारा। अगला है होमोनिम्स, होमोनिम्स का मतलब होता है होमो मींस समान, निम्स का मींस नेम, यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक ही रहेंगे, उच्चारण भी वही होगा, स्पेलिंग भी वही होगी लेकिन अर्थ अलग अलग हो जाता है, एक अर्थ नाउन के रूप में होगा, एक वाटर के वर्ब के रूप में होगा और एक एडजेक्टिव के रूप में भी हो सकता है। तो स्पेलिंग वही रहेगी, साउंड यानी उच्चारण वही रहेगा लेकिन अर्थ डिफर करेगा, वारी करेगा, वेरियस हो सकता है। तो बिल्कुल तैयार रहिएगा उसके लिए भी, क्योंकि वो भी हम प्रोवाइड करेंगे आपके लिए एक बेहतर लिस्ट जो आपके मकसद को सफल बनाएगी, काबिल बनाएगी, योग्य बनाएगी वहां तक पहुंचने में आपके लिए। अगला पॉइंट है हमारा, अब अगर होमोनिम्स का एक एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो समझ लीजिएगा, जैसे हमने यहां पर बोल दिया कि भाई DATE डेट, यानी इसका एक सेंस होता है कहीं ना कहीं तारीख से, कम ऑन क्या कहा हमने, एक सेंस होगा तारीख से और दूसरा सेंस होगा एक फल यानी खजूर से समझ सकते हैं। तो तारीख और यहां पर हमने दे दिया खजूर, ये डेट के ही सेंस हैं। और एक और डेट का सेंस होता है जैसे आज की युवा पीढ़ी बलिभांति परिचित है, यानी किसी के साथ, यानी किसी के साथ भी डेट पर जाना, पहला अपॉइंटमेंट लेना, पहला मिलने जाना, उसी को भी हम डेट पर जाना बोलते हैं। और अक्सर आपने सुना होगा कि लोग डेटिंग पर हैं, ऐसा हम बॉलीवुड के करेक्टर से अक्सर पढ़ने को मिलता है और हम सुनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इडियम्स हैं, इडियम्स को हिंदी में आप बोलते हैं मुहावरा, कम ऑन क्या कहा हमने, मुहावरा, मुहावरा अर्थात जिसका अर्थ अधूरा होता है लेकिन आप अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी विल पावर से सेंटेंसेस में प्रयोग करके उसके अर्थ को कर देते हैं पूरा, तो उन्हीं को कहेंगे हमने idioms कहा है, उन्हीं को हिंदी में हमने मुहावरा कहा है। ऐसे idioms और ऐसे मुहावरे ढेर सारे जितने आवश्यक हो सकते हैं आपके मकसद और आपके उद्देश्य के लिए, हम उनकी एक लिस्ट आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे। बस आपको इतना करना है कि डेली आप उनको 10 के लगभग याद करते जाइएगा, सफर आपका आसान होता रहेगा। अगला है फ्रेज, यानी फ्रेज को हम हिंदी में बोलते हैं शब्द समूह, कम ऑन क्या कहा हमने, शब्द समूह। तो कहीं ना कहीं ये फ्रेजेस हैं जिनको हम एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहते हैं, जो सेंस तो देते हैं लेकिन वो सेंस अधूरा रहता है, वो सेंस इनकम्प्लीट रहता है, और जैसे ही वो सेंटेंस में यूज होते हैं वो अपने सेंस को आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो बिल्कुल आपको इसके लिए रेडी रहना है, तत्पर रहना है, तैयार रहना है, वो सेंस आप तक पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा हमारे इस चैनल के माध्यम से जिसका नाम है रॉयजिक
वे. कमोन, क्या कहा? रॉयजिक वे, अर्थात रॉय का एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा तरीका पढ़ाने का जो बिल्कुल चमत्कारिक है, जो आपके जीवन में अद्भुत तरीके से खुशियां प्रदान करेगा, खुशियां लेकर के आएगा. क्योंकि हर माता पिता की, हर विद्यार्थी की, हर दोस्त की, हर सगे संबंधी की एक ही उम्मीद होती है कि हमारा व्यक्ति, हमारा बच्चा, हमारा भाई कहीं ना कहीं प्रतियोगिता में सफल हो, वो अपने उद्देश्य में सफल हो, अपने उद्देश्य के साथ आगे बढ़े. और यकीन कीजिएगा कि उस उद्देश्य में हम किसी को निराश नहीं करेंगे, क्योंकि अपनी मेहनत से हम उसे बेहद आसान कर देंगे, उसे कर देंगे तहस नहस, ताकि वो आपके जीवन में कभी बाधा लग कर कहीं ना आ पाए. अगला है हमारा मॉर्फिन. बिल्कुल, मॉर्फिन से हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थी चिर परिचित ना हो, रूबरू ना हो, लेकिन आज के बाद वो डेफिनेटली कहेंगे कि हाँ वाह, हमने पढ़ा तो था लेकिन इतना बेहतर हमारी समझ में नहीं आ पाया था. तो उस बात को समझिएगा ध्यान से. मॉर्फिन को आप दो भागों में ले सकते हैं. एक भाग होगा आपका पी आर ई एफ आई एक्स और दूसरा भाग होगा एस यू एफ एफ आई एक्स. कमर, बिल्कुल आपने ये समझ लिया है. प्रीफिक्स और सफिक्स से आप भली भांति परिचित थे. जब किसी वर्ड के आगे मॉर्फिम लगता है तो उसे प्रीफिक्स कहते हैं, और जब ये किसी वर्ड के पीछे लगता है, बाद में लगता है, तो उसे हम सफिक्स कहते हैं. ऐसे प्रीफिक्स, ऐसे सफिक्स की ढेर सारी जानकारी हम आने वाले वीडियोस में आपको प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे डेफिनेटली. उसमें आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है, बिल्कुल भी विचार नहीं करना है. अगला है फ्रेजल वर्ब्स, यानी कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कहीं ना कहीं वर्ब और प्रपोजिशन के कॉम्बिनेशन से बनती हैं. कम ऑन, क्या कहा हमने? कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो वर्ब और प्रपोजिशन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स. उनमें वर्ब समान रहती है लेकिन प्रपोजिशन बदलता रहता है, प्रपोजिशन बदलता जाता है. कमोन, क्या कहा हमने? प्रपोजिशन बदलता जाता है. तो डेफिनेटली इस बात को अपने माइंड में, अपने दिलो दिमाग में गांठ बांध लीजिएगा, उसको मजबूत कर लीजिएगा, ताकि आप कभी फॉरगेट ना करें, आप कभी भूलें ना फ्रेजल वर्ब्स. इसकी जानकारी हम अपने अगले वीडियो में डेफिनेटली प्रदान करेंगे. और आज से समझिएगा, आपकी सफलता का जो मार्ग है बहुत आसान हो गया है, क्योंकि हमने स्टार्ट कर दिया है अपना इस अनुभव के माध्यम से. जो भी हमने अब तक चीजें प्राप्त की हैं, वो आप तक डेफिनेटली पहुंचेंगी. एक ही उद्देश्य होता है कि कहीं ना कहीं ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे. हमारी पहुंच अब तक इतने लोगों तक नहीं थी, क्योंकि कोचिंग्स वगैरह के माध्यम से, स्कूल्स वगैरह के माध्यम से उतने लोगों तक हम नहीं सफल हो पा रहे थे. लेकिन आज जब हमें लोगों ने बताया कि आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं और देश और दुनिया के उन लोगों तक, उन वंचित लोगों तक, उन जरूरतमंद लोगों तक अपनी इस बात को पहुंचा सकते हैं, तो डेफिनेटली हमने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म को चुना है, इस बहुत ही लवली प्लेटफॉर्म को चुना है, जिसके माध्यम से हम अपनी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं. तो निश्चित तौर पर जिस व्यक्ति ने या जिस महोदया ने इस सिस्टम को तैयार किया है, हम उनके प्रति शुक्रगुजार हैं, एहसान के पात्र हैं कि उन्होंने हमें देश और दुनिया में जुड़ने का एक मौका दिया, एक हमें अवसर दिया. डेफिनेटली दिल से हम उसे उनको शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू विश करते हैं. थैंक यू वेरी मच यूट्यूब फॉर दैट वन. अगला पॉइंट है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. सभी लोग परिचित हैं, चाहे वो हाई स्कूल का मैटर हो, चाहे वो ट्वेल्थ का मैटर हो, इंटरमीडिएट का मैटर हो, या उससे आगे की एकेडमिक स्टडी हमारी या डिग्री क्लासेस, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारे समक्ष उपस्थित होते ही रहते हैं. अब समझिएगा कि इसमें होता है कि एक पूरे वाक्य के लिए एक वर्ड दे दिया जाता है, और वो वर्ड दिया जाता है जो उस मकसद को, उस डेफिनेशन को कंप्लीट कर रहा है, पूरा कर रहा है, उन्हीं को कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. जैसे एक ऐसी महिला जिसका पति अब इस संसार में नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? अ लेडी, अ वुमन हुज हस्बैंड इज नो मोर, तो उन्हें हम कहेंगे विडो, डब्ल्यू आई डी ओ डब्ल्यू. तो ऐसे बहुत सारे शब्दों की जो लिस्ट है वो आप तक डेफिनेटली पहुंचेगी, निश्चित तौर पर पहुंचेगी. अगला पॉइंट इसमें नहीं है, हाँ वर्ड पावर से संबंधित जितनी भी जानकारी थी, जितनी यूपीटेट से संबंधित जानकारी है, वो डेफिनेटली हमने आपको प्रोवाइड की है. और इन सभी की लिस्ट, इन सभी का एक अच्छा कलेक्शन, एक अच्छा बंच हमारे पास रेडी है, और वो हमारे हर वीडियो में आपको डेफिनेटली मिलता रहेगा. बस आप थोड़ा सा कीजिएगा इंतजार, क्योंकि सिलेबस को हम बड़े प्यार से आपको समझा रहे हैं, आपको क्लियर कर रहे हैं.
अब अगला पॉइंट हमारा आता है, जब हमने वर्ड पावर को समझ लिया है, जब हमने ग्लॉसरी को समझ लिया है, तो अगली चीज हमारे लिए आ रही है पार्ट ऑफ स्पीच। अर्थात दुनिया का कोई भी वाक्य लीजिएगा, दुनिया का कोई भी सेंटेंस लीजिएगा, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना अधूरा है, इसके बिना संभव और पॉसिबल नहीं है। तो समझिएगा यहां पर पहला पार्ट ऑफ स्पीच में आता है नाउन। नाउन जिसकी जैसे ही हमने आंखें खोली थी बचपन में, जैसे ही हमने जन्म लिया था, तो हमने देश और दुनिया को देखा और हमने चीजों को देखा, वस्तुओं को देखा, वो कहीं ना कहीं नाउन ही थी। हमने अपने पेरेंट्स को देखा, वो कहीं ना कहीं नाउन ही है। हमने जिस जमीन, जिस ईंट, जिस पत्थर को देखा, वो कहीं ना कहीं नाउन ही है। जो आवाज हमारे मुख से पहली निकली थी वो भी नाउन ही थी। तो कहीं ना कहीं नाउन से आप बहुत जल्दी परिचित हो गए थे, बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं, ज्यादा हमें इसमें चर्चा करने की नीड नहीं है। लेकिन कॉम्पिटेटिव नजरिए से वो सारी चीजें जो आपके रास्ते को आसान बनाने के लिए आवश्यक होंगी, हम उन्हें प्रोवाइड करने जा रहे हैं अगले वीडियोज में। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स, पार्ट ऑफ स्पीच के तहत पहली बात हम करेंगे नाउन का, दूसरा है आपके लिए प्रोनाउन, जो कहीं ना कहीं नाउन के स्थान पर सब्स्टिट्यूट होता है, यानी जहां पर नाउन हटेगा, रिप्लेस करेगा, वहां प्रोनाउन आ जाएगा। जैसे राष्ट्रपति जी अगर नहीं है अपने कार्य क्षेत्र में, उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति जी कार्य करते हैं, और सौभाग्य से अगर वो भी उपस्थित नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, उनके जो मुख्य जस्टिस है CJI ऑफ इंडिया, वो वर्क करते हैं कहीं ना कहीं। तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन हमारे संविधान विदों ने बना दिया था, ताकि किसी को एहसास ना हो कि कोई व्यक्ति यहां पर नहीं है। डेफिनेटली हम उनके प्रति शुक्रगुजार हैं। अगला पॉइंट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम होता है कि ये नाउन और प्रोनाउन का क्वालिटी कैसा है, गुण कैसा है, यानी ये अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे हैं, ये जानकारी हमको प्राप्त होती है कहीं ना कहीं एडजेक्टिव से। इसके बारे में भी हम लोग अपने आने वाले वीडियोज में ढेर सारी चर्चा करेंगे और करते रहेंगे आपके लिए। बस आपको दिल से एक ही काम करना है कि हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक करना है, और लाइक करने के पश्चात एक बेल आइकन आपके सामने उपस्थित होगा, और उस बेल आइकन पर आपको सिर्फ एक ही काम करना है, पुश कर देना है, क्लिक कर देना है, और वो आपका हो जाएगा ग्लाम, और ढेर सारी सूचनाएं जो हमारे द्वारा प्रदान की जाएंगी आपकी झोली में गिर पड़ेंगी आकर के जोर उस चीज के माध्यम से। अगला पॉइंट है वर्ब, अर्थात ये नाउन और प्रोनाउन एक्शन क्या करते हैं, कार्य क्या करते हैं, इसकी जानकारी हमें देता है वर्ब। इसकी जानकारी हमें देता है वर्ब। वर्ब को हिंदी में हम कहते हैं क्रिया। कम ऑन, क्या कहा हमने? क्रिया कहा जाता है। ये आपके लिए नाउन संज्ञा है, और संज्ञा के साथ साथ प्रोनाउन क्या है? सर्वनाम है। इनके बारे में और डिटेल चर्चा हम लोग वीडियोस में करते रहेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे। हर एक चैप्टर के बाद आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स उपस्थित होंगी, उन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करेंगे और वो चैप्टर आपकी मुट्ठी में आ जाएगा, यकीन कीजिएगा। एडजेक्टिव है, वर्ब है, और साथ में ये जो वर्ब है, यदि हमने कोई भी एक्शन किया, जैसे हमने किसी अंग्रेजी भाषा को बोलते हैं, तो हम बोलते कैसे हैं? लाउडली बोलते हैं, या धीरे धीरे बोलते हैं, या चिल्लाते हुए बोलते हैं, किस तरह से बोलते हैं? अगर हम दौड़ते हैं तो कैसे दौड़ते हैं? धीमे धीमे दौड़ते हैं, तेजी के साथ दौड़ते हैं, या ब्लाइंडली अंधे होकर के दौड़ते हैं? ये जो क्वालिटी होगी वर्ब की, ये जो क्रिया की विशेषता होगी, वही कहीं ना कहीं क्या कहलाएगी? एडवर्ब। क्या कहलाएगी? एडवर्ब। बिल्कुल समझिएगा ध्यान से। और एडवर्ब को हमारे भाषाविदों ने हिंदी में क्या कहा? क्रिया विशेषण कहा। कम ऑन, क्या कहा? क्रिया विशेषण कहा उन्होंने इस एडवर्ब को। आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब के पश्चात अगला है हमारे पास प्रीपोजिशन, अर्थात प्री प्लस पोजिशन, यानी किसी भी शब्द के आगे आकर के उस शब्द की जो कॉम्बिनेशन है, उस शब्द का जो रिलेशन है, अपने से आगे वाले या अपने से पीछे वाले शब्द के साथ कनेक्ट कर दे, जो रिलेशन को मेंटेन कर दे, वही कहीं ना कहीं प्रपोजिशन है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा हम करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। परेशान तो कतई आपको होना ही नहीं है, क्योंकि मैं हूं HM रॉय आपके सामने। आप भली बात ही परिचित हैं कि हमारे साथ ज्ञान की, अनुभव की एक लंबी श्रृंखला है, जो कहीं ना कहीं हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे ही करेंगे। अगला पॉइंट हमारे लिए कंजक्शन। कंजक्शन और प्रपोजिशन दोनों को हम एक कनेक्टर के रूप में जानते हैं, एक संयोजक शब्द के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये दोनों ही जोड़ने का काम करते हैं। चाहे वो प्रपोजिशन को ले लें, चाहे वो आप कंजक्शन को ले लें, दोनों का काम क्या है? कनेक्ट करना है, जोड़ना है। तो वेल स्टूडेंट्स, हम लोग बातें कर रहे हैं कंजक्शन की, और डेफिनेटली कंजक्शन का एक बहुत ही बड़ा रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, जैसे हमने चर्चा किया हुआ है। कंजक्शन कहीं ना कहीं जोड़ने का काम करता है, एक कनेक्टर की तरह से यूज होता है, इस्तेमाल होता है इन द सेंटेंसेस। और उसके बाद हम बातें कर रहे हैं कहीं ना कहीं इंटरजेक्शन की, जिसका
रोल हालांकि कॉम्पिटेटिव वेज में बहुत कम रह जाता है, लेकिन जो इसकी फीलिंग्स हैं उसी के साथ में इसका यूज होता है। लेकिन इंटरजेक्शंस की कुछ लिस्ट हैं, कुछ वर्ड्स की लिस्ट है, वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगी और उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं डेफिनेटली। अगला पार्ट हमारा आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स हम जानते हैं कि इन्हें हिंदी में अग्र शब्द कहते हैं। डेफिनेटली इनका बहुत बड़ा भूमिका पहले नहीं था, लेकिन आज कॉम्पिटेटिव एज में इनकी भी अपनी एक भूमिका है, इनकी अपना एक रोल है जिसे बहुत महत्वपूर्ण समझा गया है, माना गया है। तो डेफिनेटली इनके साथ भी हम चर्चा करेंगे। ए एन और द, ये होते हैं दो प्रकार में, द को डेफिनेट बोलते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल के तहत ए और एन आ जाता है। अगला है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स भी कहीं ना कहीं हमारे एडजेक्टिव का पार्ट है, जो चीज़ों को निश्चित करते हैं, डिटर्मिन कर देते हैं, कंफर्म कर देते हैं। और उसके पश्चात हम लोग बातें करेंगे जो ग्रामर का एक मेन पार्ट समझ लीजिएगा इसे, जहाँ से टेंसेज स्टार्ट होते हैं, तो पूरी टेंस की जानकारी डिटेल में प्रोवाइड की जाएगी। जैसे भी जो भी स्टार्ट होते हैं पूरा रहेगा, चर्चा रहेगा, पूरी रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ हम लोग बातें करेंगे, तो डेफिनेटली उसका आप आनंद लेंगे, एंजॉय करेंगे डेफिनेटली। और साथ में हमारे साथ में मॉडल्स जिसके तहत हम बात करते हैं, कैन, कुड, मे, माइट वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की चर्चा हम इसमें करेंगे मॉडल्स के तहत। और उसके पश्चात वॉइसेस हैं, वॉइसेस को आप जानते हैं कहीं ना कहीं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइसेस के रूप में, कि हमारे सुबह से लेकर शाम तक और कॉम्पिटेटिव टाइम में भी और चीज़ों में भी, कॉम्पिटिशंस वगैरह जो चीज़ें हैं उनमें भी कहीं ना कहीं वॉइसेस का यूज़ होता है। और बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग इस पर चर्चा करेंगे ताकि ये तहस नहस हो जाए और हम सफलता की ओर बढ़ सकें। अगला है नरेशन, जिन्हें हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूप में भी जानते हैं। ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें किसी ने कही और हमने डायरेक्ट बोल दिया, कुछ बातें ऐसी होंगी जो हम उसे अपने इनडायरेक्ट अंदाज में प्रेजेंट करते हैं आपके लिए, तो ये वो है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन है, यानी एक पैसेज होगा, हो सकता है कि दो पैसेज आपके सामने उपस्थित हो जाए, उनकी भी जानकारी रह सकती है और उसे आप भली बातें समझेंगे। इसके लिए हम, ताकि ये कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज का मार्ग आपके लिए बेहद आसान हो जाए, हम न्यूज़पेपर रीडिंग पर भी फोर्स करेंगे। और ताकि कुछ रूट वर्ड्स भी होते हैं वोकैब के तहत, वर्ड पावर के तहत, हम रूट वर्ड्स की भी चर्चा करेंगे जिसके माध्यम से ये जो वर्ड पावर है काफ़ी इजी हो जाए, आसान हो जाए और आप कॉम्प्रिहेंशन को बेहतर ढंग से समझ पाए। अगला पॉइंट है कॉमन एरर्स, यानी जो भी हमने यहाँ से यहाँ तक लिया हुआ है फ्रॉम ए टू जेड, जितनी भी चीज़ों की चर्चा हमने की हुई है उन सब में से कहीं ना कहीं हमारे लिए कॉमन एरर्स उपस्थित होती हैं। यानी सारे पार्ट्स को आपको भलीभांति समझ लेना है और समझने के पश्चात जब आपके समझ एक प्रैक्टिस सेट उपस्थित होगा तो कहीं ना कहीं उसमें विशेष जानकारी के माध्यम से, विशेष लगन और मेहनत के माध्यम से हम कॉमन एरर्स को फाइंड आउट कर पाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है, भरोसा है। अगला है स्पेलिंग एरर्स, यानी कुछ वर्ड्स आते हैं, एक वर्ड्स होगा या चार वर्ड्स भी कभी कभी ऑप्शन में दे देते हैं और आपको बताना होता है कि कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है और कौन सा स्पेलिंग इनकरेक्ट है। दोनों ही वेज में आपके सामने वो उपस्थित हो सकता है। एक सेंटेंस के चार फॉर्म्स भी हो सकते हैं और चार सेंटेंसेस, चार वर्ड्स की, एक वर्ड की चार फॉर्म हो सकती हैं, मतलब वर्ड वही है लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है, तो उसमें से आपको बताना है क्या है सही या गलत क्या है। और ये भी हो सकता है कि चार वर्ड अलग अलग हों, उनकी स्पेलिंग कौन सी चार में से एक करेक्ट है या इनकरेक्ट है वो भी आपको बताना सकता है, तो स्पेलिंग एरर के इस तरह से भी आते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच, जिन्हें हिंदी में हम अलंकार कहते हैं, इनमें कहीं ना कहीं क्या होता है कि बात को या तो बढ़ा कर कहा जाएगा या फिर गिरा करके कहा जाएगा, उसके तहत भी हम फिगर्स ऑफ स्पीच की बात कर लेते हैं। और जिसमें सिमिलर होगा, मेटाफर वगैरह होगा, उनको कैसे पहचान करें इस रूप में भी आ जाते हैं कभी कभी, कैसे पहचान किया जाए, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कहीं ना कहीं आपको ये याद रखना होगा कि फिल इन द ब्लैंक्स को हम किस अंदाज में ले सकते हैं, किस तरीके से ले सकते हैं। और ये सारी जो चीज़ें चर्चा की, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स नाउन से संबंधित हो सकता है, प्रोनाउन से संबंधित हो सकता है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, किसी प्रीपोजिशन से कहीं से भी आ सकता है, उसके लिए आपको रेडी रहना होगा। और उसे मजबूती के साथ जब आपका इस पूरे ग्रामर वाले पोर्शन पर, पूरे पार्ट पर, चाहे वर्ड मीनिंग ही क्यों ना हो, जब इसकी आपकी कमांड हो जाएगी तो आप बेहतर ढंग से उनको डिफाइन कर पाएंगे। अगला है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, यानी कहीं ना कहीं जो इंग्लिश डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं और उन वर्ड्स का एक पर्टिकुलर उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन सिस्टम होता है, उस सिस्टम में जो वर्ड्स लिखे होते हैं जिन्हें हम कहीं ना कहीं सिंबल के नाम से जानते हैं, उसी को हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और ऐसा यूपीटेट में दो या तीन क्वेश्चन अपियर हो सकते हैं, आ सकते हैं।
तो हम आपको चर्चा में ये बताएंगे कि आखिर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को कैसे पहचानें, कैसे आइडेंटिफाई करें। अगला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी वाक्यों का रूपांतरण, रूप प्लस अंतरण, यानी वाक्यों के रूप को कैसे बदल दें लेकिन उन वाक्यों का जो भाव है, जो मूल सेंस है, वो ना बदले, वो परिवर्तित ना हो, उन्हीं को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अगला है फाइंड करेक्ट सेंटेंस, यानी कि तीन सेंटेंस रॉन्ग होंगे और एक सेंटेंस करेक्ट होगा, आपको चार ऑप्शंस में से उस करेक्ट सेंटेंस को ही बताना है, पता लगाना है। अगर ऐसा करने में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ए से लेके जेड तक, यानी यहां से लेकर के और यहां तक जो भी हमने चर्चा की हुई है, उस पूरे सिस्टम को आपको भली भांति अपनी मुट्ठी में रखना पड़ेगा, उसे आपको अपना कप ऑफ टी बनाना होगा। और अब तो जमाना आ गया है कि हम कॉफी ऑफ टी बना दें उसे, जो है ताकि और आसान हो जाए और बेहतर हो जाए वो चीज हमारे लिए। अगला पॉइंट है हमारे लिए सेंटेंस एंड क्लॉज, यानी सेंटेंस क्या है, ठीक है, और सेंटेंस के काइंड्स कौन कौन से होते हैं, प्रकार कौन कौन से होते हैं। साथ में एक सेंटेंस हमें दिया हुआ है और उस सेंटेंस में सब्जेक्ट वाला पोर्शन कहाँ तक है और प्रेडिकेट वाला पोर्शन कहाँ तक है, ये भी जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है और आपको समझना है, ताकि हमारे परीक्षा में अगर कहीं से भी आ जाए, ए से लेकर के जेड तक कहीं से भी उपस्थित हो, आप उसके लिए एक बहुत ही बेहतर अंदाज में अपने आप को तैयार कीजिएगा, अपने आप को प्रिपेयर कीजिएगा, ताकि 2019 में ही आपका सिलेक्शन हो जाए, आपके हाथ में सर्टिफिकेट आ जाए और आप अपनी जॉब के प्लेटफॉर्म पर कदम रख दें विद द हेल्प ऑफ रॉयजिक वे, यानी HM रॉय के साथ में। तो वेल स्टूडेंट्स, आपने हमारे इस पूरे वीडियो को देखा और UPTET के सिलेबस को बहुत ही अच्छी तरीके से अपने दिलो दिमाग में एडजस्ट कर लिया होगा डेफिनेटली। और आपने हमारा ये वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखा, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, दिल से आपको धन्यवाद और थैंक यू विश करते हैं। और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आवश्यक रहेगा, क्योंकि जैसा हमने शुरुआत में कहा कि हमारी वास्तविक यात्रा शुरू होती है किसी भी कार्य के प्रारंभिक बिंदुओं से, यानी कि UPTET के सिलेबस से। अगर आपने सिलेबस का कमांड कर लिया तो समझो हमारी आदि यात्रा, हमारी आदि जर्नी कामयाब हो जाती है, सफल हो जाती है। जैसा किसी इतिहासकार ने कहा कि जब नेपोलियन बोनापार्टा, यानी कहीं के शासक हैं ये, वो जब किसी कार्य को करने की सोचते थे तो आधा तो वो तभी कर लेते थे जब वो सोचते थे, उसके बारे में विचार करते थे, और आधा यानी कि कंप्लीट करने के लिए वो तलवार उठाया करते थे, शासक थे कहीं के कहीं ना कहीं। तो ऐसी इच्छा शक्ति, ऐसी दृढ़ विल पावर के आधार पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर कोई आपको रोकना मुश्किल होगा, कोई बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। सो डेफिनेटली हम बोल रहे हैं, हम ये वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं रॉयजिक वे चैनल के माध्यम से, और आपका दायित्व तो है सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और लाइक करते ही आपके सामने एक बेल आइकन उपस्थित हो जाएगा, उस बेल आइकन को आपको सिर्फ करना है क्लिक, और हमारे द्वारा भेजे गए जितने भी अपडेट्स हैं वो आपके पास डे एंड नाइट और बाय लीव्स एंड बाउंस पहुंचते रहेंगे, आप उनका लाभ उठाते रहिएगा और हम उपस्थित होंगे आपके लिए अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक और विशेष जानकारी कि हमारे ये वीडियोस पर डे मतलब डेली के रूप में आपके समक्ष उपस्थित आते रहेंगे और लगभग शाम 5 बजे के लगभग ये आपके सामने उपस्थित होंगे, और आप निश्चित रूप से तैयारी करके बैठिएगा, आनंद लीजिएगा हमारे इस वीडियोस को और अपनी जॉब के सफर को कर दीजिएगा बेहद आसान। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।